हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रे स्पेशल अप्पे। तो चलिए शुरू करते हैं अप्पे बनाना। यहाँ पर मेरे पास है कटू का आटा, कर्ड, दही, भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, बेकिंग सोडा, काली मिर्ची पाउडर, टमाटर, हरी मिर्ची, रोस्टेड पीनट्स जिनको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, धनिया पत्ती। तो चलिए शुरू करते हैं हम अप्पे बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस बाउल में डालूंगी कटू का आटा, फिर मैं इसमें डालूंगी कटी हुई हरी मिर्ची, कटा हुआ टमाटर, रोस्टेड पीनट्स, धनिया पत्ती। इसे मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून सेंधा नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डालूंगी कर्ड, दही, धीरे धीरे हम इसको मिक्स करते रहेंगे और जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी कर्ड की हम वैसे वैसे डालेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूंगी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक पतला बैटर बनाएंगे इसका, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे हम इसको, थोड़ा सा थिक बैटर ही बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, ना तो ये ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये देखिए, अब मैं इसमें इतना सा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये फर्मेंट हो सके। आप चाहे तो इसमें इनो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक अप्पे स्टैंड लिया है, इसे मैंने प्री हीट कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है। तो अब हम इसमें बनाएंगे हम अप्पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमारा बैटर भी थोड़ा सा फर्मेंट हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इस अप्पे स्टैंड में हम ये बैटर जो हमने बनाया है इसको भरेंगे। बस हम एक एक चम्मच ही डालेंगे इसमें ऐसे। गैस को मैंने मीडियम पर ही रखा हुआ है। ये देखिए, मैंने इसमें अपना बैटर डाल दिया है। अब हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बनाएंगे और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ। ये देखिए, हमारे अप्पे पक चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, ऐसे हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, इसको थोड़ा ढक दें और चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमारे अप्पे जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, तो चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नवरात्रि स्पेशल अप्पे तैयार हैं। आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।